नमस्कार, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर अलका गुप्ता। आज एक हम नए विषय के साथ में एक पूरी की पूरी हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अभी मैंने ये देखा है कि जो बच्चे हैं उनको सही सही ठीक से नॉलेज नहीं रहता है कि हमको कैसे क्या कंस्यूम करना है, कब करना है और उसके पूर्व क्या तैयारी करनी है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे हैं नेट देखते हैं, गूगल देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको डरा देती हैं। तो बस मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि बच्चों ये एक बहुत ही सहज सरल और प्राकृतिक चीज़ है, प्रक्रिया है जो कि हम हर किसी के लिए है, लेकिन हम सब लोग अपने अधूरे ज्ञान की वजह से या ज़्यादा ज्ञान की वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग यदि कंसीव कर रहे हैं तो उसके पहले आप पहले क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने मन को बहुत अच्छा बनाएं, एक सकारात्मक सोच रखें, और इसकी मैं पूरी की पूरी आपको सीरीज बनाऊंगी। गर्भधारण के पहले हम क्या तैयारी करें वो, फिर उसके बाद पूरे 9 मंथ तक हमको क्या खाना है, कैसे खाना है, और साथ में उसकी रेसिपियाँ कि हम लोग ये सब तो नेट वेट देख के हम ये जान जाते हैं कि हमको इसमें ओमेगा 3 है, इसमें आयरन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, और हम उसको कैसे खाएं। और जब कई बार क्या करते हैं फिर हम इसके लिए दवाइयां खाते हैं, तो दवाइयों से भी हमको बहुत प्रॉपर उसका असर नहीं होता है, लेकिन जब शुद्ध सात्विक और घर का बना हुआ जब आहार आप खाते हैं तो आप भी तृप्त होते हैं और आपकी संतान भी तृप्त होती है और एक बहुत अच्छी संतान को आप जन्म देते हैं। तो आप सब भी चाहते होंगे कि एक अच्छी संतान को जन्म देने के लिए, तो उसके लिए मैंने जो आपको बताया कि सबसे पहले कि आप शुद्ध और सात्विक विचार रखिए, अच्छा सच्चा शुद्ध सात्विक और संस्कारित आहार लीजिए। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप संस्कारित आहार ले सकते हैं, घर में बना सकते हैं, उसमें कितनी वैरायटियां आप बना सकते हैं, और उसके लिए आप अपने शरीर को लचीला बनाइए। लचीला बनाने के लिए आपको आसन ध्यान प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से आपका शरीर एकदम लचीला बनेगा, आसन करने से प्राणायाम करने से आपके शरीर में इतनी ऑक्सीजन आएगी कि जो आपका शिशु है उसको बहुत ही सरलता से और सुगमता से आप इस पृथ्वी में आप ला सकते हैं। आप वितरण का भाव हमेशा रखिए, जब भी जो भी कोई चीज़ आपके पास में आती है आप उसको खाते हैं तो किसी को आप दीजिए, जिससे जहाँ जैसे हमारे हम जो भी फल फ्रूट हमारे को मिलता है तो उस फल फ्रूट को आप जो भी आप खाते हैं वो किसी को दीजिए। अच्छे विचार रखिए और आसन करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, भगवान का ध्यान करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, साथ में ईश्वर के प्रति इतने सकारात्मक होइए, आप इतने आस्थावान होइए कि अगर कोई सी परेशानियां आपको आती भी हैं तो परेशानियों को ये सोचिए कि ये ईश्वर के द्वारा ही आई हुई परेशानियां हैं और वही इसका निराकरण भी करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर चीज़ों के लिए इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि परेशानियां तो हमारी छोटी सी रहती है, इन उन परेशानी वो परेशानी हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो हमेशा आप सोच को अपनी सकारात्मक रखिए। आप जिस भी धर्म का पालन करते हैं तो अपने इष्ट गुरु आराध्य देव का मन ही मन संकल्प करते रहिए। जब आहार बनाते हैं तब भी संकल्प करिए, जब आप खाते हैं तब संकल्प करिए। इस प्रकार से आप अपने गर्भधारण की पूर्व की आप तैयारी कर सकते हैं। साथ में आपको बहुत अच्छा आहार लेना है, उन आहार में आपका फॉलिक एसिड का प्रमाण सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि सिर्फ एक कोशिका से आपका जो शिशु है वो 2 से 2.5 किलो तक का हो जाता है। तो वो कैसे होता है, जब आप अच्छा से अच्छा आहार लेते हैं और उसकी पूर्व तैयारी करते हैं, क्योंकि अगर हम क्या नाम से कोई मंजिल बनाना चाहते हैं तो न्यू यदि मजबूत होगी तो ऑटोमेटिक हमारी मंजिल अच्छी होगी। तो उसके लिए आप फॉलिक एसिड वाली चीज़ें लीजिए। आप सब जानते हैं कि फॉलिक एसिड किस में क्या है, और हर चीज़ में हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि 80% अल्कलाइन फूड लीजिए और 20% एसिडिक लीजिए। तो उसको भी मैं आपको एक एक चीज़ को आपको बना के बताऊंगी कि कैसे आप ले सकते हैं, कैसे आप घर में बना सकते हैं। ये कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान से ही है। और सीजनल रीजनल ओरिजिनल, मतलब सीजनल जो भी चीज़ आता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि ये बेर है,
अब इस बेर को आप खाएंगे क्योंकि ये सिग्नल है, जब इसको आप खाएंगे तो देखिए आपको कितना सारा आपको मिनरल्स आपको मिलेगा। ये चीकू है, चीकू आप जब अभी आप खाएंगे तो आपका शरीर पुष्ट होगा, आपको कॉर्बेट की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा मिलेगी, आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप ये आप नारियल जैसे खाते हैं, ये तो सिर्फ कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए रखी है। आप सभी जानते हैं कि फॉलिक एसिड किस किस चीज़ों में होता है। हर प्रकार के आप फ्रूट खाइए, जितने ज़्यादा आप फ्रूट खा सकते हैं, पानी वाले फ्रूट खाइए, जो ठोस फ्रूट होते हैं वो फ्रूट खाइए, आप नट्स खाइए। ये सब चीज़ों को खाकर अपने शरीर को इस लायक बना दीजिए कि आप एक स्वस्थ संतान पैदा कर सकते हैं, इस पृथ्वी में ला सकते हैं, आप धन्य हो सकते हैं। और साथ में एक शिशु को गर्भ के साथ में आप इस पृथ्वी में लेके आएंगे और आप भी गर्भान्वित होंगे। इसी प्रकार से आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और आगे आगे मैं आपको इतनी अच्छी जानकारी दूंगी, उसके बाद भी आपका शिशु को किस प्रकार से आपको 6 महीने तक खाना खिलाना है, उसके बाद 1 साल तक कैसे खिलाना है, ये सब का भी मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। तो आप इसको देखिए और लोगों को भी बताइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।